हे गाइस, वेलकम टू ARK व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम रेनो क्विड फेसलिफ्ट, जो इसका टॉप वेरिएंट क्लाइंबर आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, उसका रिव्यू करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरी डिटेल के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गाड़ी की जो लेंथ दी जाती है वो 37-31 mm दी जाती है, और जो चौड़ाई दी जाती है वो 1579 दी जाती है। इसके अलावा जो हाइट है इसकी वो 1490 दी जाती है। और गाड़ी का अगर फ्रंट से लुक देखते हैं तो पूरा SUV लुक गाड़ी का बनाया गया है, जो महिंद्रा हेक्टर और नई गाड़ी आने वाली से काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी जो डे टाइम रनिंग लाइट दी गई है, काफ़ी सुंदर लाइट दी गई है, ये काफ़ी अच्छी दूर से नज़र आती है, और सबसे अट्रैक्शन का कारण ये लाइट ही लगती है। इसके साथ में अगर साइड में बात करते हैं तो जो क्रोम दी गई है वो पहले की तरह तीनों रो में क्रोम नहीं दी गई है, सिर्फ टॉप ऊपर वाली में दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। इसके साथ ही अगर नीचे की बात करते हैं तो बम्पर जो अपना दिया गया है वो ड्यूल टोन बम्पर दिया गया है, कहीं पे ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। और इसके साथ जो अगर हम हेडलाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर हेडलाइट जो दी गई है वो उसमें दो बल्ब दिए गए, एक हाई बीम के लिए और एक उसमें लो बीम के लिए दिया गया है। अगर आप नीचे देख सकते हैं जो आगे की ग्रिल आती है वो ब्लैक कलर में, ताकि उसके साथ ही अगर नीचे देख सकते हैं तो अपनी SUV स्किड प्लेट जो आती है गाड़ी के अंदर वो आगे और पीछे दी गई, जो कि इसकी काफ़ी लुक को SUV से इंस्पायर गाड़ी लगती है। रेनो ने इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल इस सेगमेंट के अंदर इतना अच्छा लुक गाड़ी को दिया गया है कि इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी इसका मुकाबला नहीं कर सकती लुक के मामले में और फीचर के मामले में। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं पूरा लुक गाड़ी का काफ़ी सुंदर गाड़ी बनाई गई है, और ये जो ब्लू कलर के अंदर आती है गार्निश, जेंस कार ब्लू कलर के अंदर गाड़ी आती है, ताकि इसके साथ साथ आप इसके जो ब्रेक दिए गए हैं वो अगले डिस्क और पिछले ड्रम दिए गए हैं। व्हील का साइज़ जो दिया गया है वो 165/70 और R14 ग्रे मल्टी स्पोक व्हील इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर साइड की बात करते हैं तो जो साइड में ब्लैक कलर की क्लाइडिंग दी गई है डोर प्रोटेक्शन, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है और स्क्रैच से भी बचाती है गाड़ी को। ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm का दिया गया है, और जो व्हील बेस है वो 2422 का इसके अंदर दिया गया है गाड़ी के अंदर। और जो ऊपर आप क्लाइडिंग देख रहे हैं, रूफ रेल्स देख रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है और क्लाइंबर को रिप्रेजेंट करती है ये। अगर पीछे की अगर हम बात करते हैं टेल लाइट की इसकी, तो वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है साइज़ में भी। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो दो स्ट्रिप दी गई है ये सेम जलती है, और काफ़ी दूर से गाड़ी नोटिस हो जाती है और काफ़ी अच्छी देती है। नीचे अगर देख सकते हैं तो रिफ्लेक्टर दिया गया है, जिसकी पोजिशनिंग साइड में कर दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा पीछे अगर बैक कैमरे की बात करते हैं तो वो रेनो के लोगों के अंदर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बूट स्पेस 279 लीटर का दिया गया है, जिसको एक्सपेंड करके 620 लीटर का किया जा सकता है। नीचे सेम कलर स्किड प्लेट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और पीछे से अगर गाड़ी को नीचे देखते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी दी गई है, और ये AMT वर्जन है, इसलिए इसकी बैजिंग EZR दी गई है। और जो फ्यूल टैंक का ओपनर आता है वो राइट साइड दिया जाता है, जिसकी कैपेसिटी 28 लीटर दी गई है, और ये राइट साइड में होने से ड्राइवर ईजिली इसको पीछे OVRM में देख सकता है, उसको उतर के जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ये भी देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर के अंदर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, SUV गाड़ी को लुक देते हैं। इसके अलावा अगर इसके इंजन की हम बात करते हैं तो 1000 cc का SCE मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो कि 68 pascal की पावर प्रोड्यूस करता है 91 Nm टॉर्क के साथ। इसके अंदर आगे अगर हम बात करते हैं इंजन की, तो आप देख सकते हैं 5-speed का मैनुअल गियरबॉक्स इसके अंदर यूज़ किया गया है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के इंजन को काफ़ी इम्प्रूव भी किया गया है पहले के मुकाबले। इसके अंदर 3 सिलेंडर का इंजन पहले भी आता था, और अब भी वही इंजन यूज़ किया गया है 12 volt के साथ। इसके अलावा सेफ्टी की बात करते हैं तो ABS, EBD और ड्यूल एयरबैग, जो कि टॉप मॉडल में ही आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेक फ्लूड
और यहाँ पे इंजन ऑयल डालने का ऑप्शन दिया गया है गाड़ी का। और यहाँ पे अपनी बैटरी और अगर इसके पीछे देख सकते हैं ABS की यूनिट दी गई है। और यहाँ से आप इसको साइड में करके बोनट को ओपन कर सकते हैं। और बोनट की जो पैकिंग की गई है वो भी काफ़ी अच्छी की गई है ताकि इसकी नॉइज़ ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जाए और इंजन को भी सेफ्टी दे सकती है। इसके अलावा अगर बोनट के वज़न की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी रेनो की तरफ से काफ़ी अच्छी दी जा रही है, कस्टमर को काफ़ी अच्छा इसके अंदर वज़न महसूस कर सकते हैं आप। अब चलिए इंटीरियर की बात करते हैं, इसके अंदर करेंगे तो ये जो हमारे सामने लुक आएगा गाड़ी का, कुछ ऐसा लुक नज़र आता है और काफ़ी गाड़ी प्रीमियम नज़र आती है। इसके साथ में ही यहाँ पे अगर इसकी क्वालिटी बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी दी गई है। हार्ड इसके अंदर प्लास्टिक यूज़ किया गया है और जो ओपनर दिया गया है ये क्रोम के साथ आता है जो कि टॉप वेरियंट में है। और ये जो ऑरेंज जो क्लाइंबर का कलर है वहाँ पे इसकी दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल दोनों साइड आगे के डोर्स में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं काफ़ी अच्छा दिया गया है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर यूज़ किए जा सकते हैं। जो अपनी ट्राइबर के अंदर सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वही इसको अपडेट करके दिया गया है जो इसको काफ़ी, कोई भी बंदा अगर इसको देखता है तो काफ़ी अच्छा इसका लुक होता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, पर घंटे की एवरेज, पर लीटर एवरेज आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। रेंज भी इसके अंदर दी गई है और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी सारे फीचर इसमें, हैंड ब्रेक का, सीट बेल्ट रिमाइंडर का, हाई स्पीड अलर्ट, बहुत सारे फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। और अगर यहाँ पर आप सेंटर में देखते हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग कैसा इसके अंदर यूज़ किया गया है। और जो ऑरेंज कलर की आप ये स्ट्रिप देखते हैं ये क्लाइंबर का कलर है, ये यहाँ पे दिया गया है। जो पावर स्विच अपने आगे के दो, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से हैजार्ड स्विच, और इसके साइड में ही लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया है। जो पावर विंडो पीछे की वो सिर्फ पीछे से ही एक्सेस की जाती है, उनका आगे कोई वो नहीं दिया गया है। एसी के जो अपने स्विच दिए गए हैं जो पहले आते थे वही स्विच इसमें यूज़ किए गए हैं, पर इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे USB और OX का ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर आप फास्ट चार्ज भी यूज़ कर सकते हैं, आपका फ़ोन या कोई भी चीज़ में फास्ट चार्जर के थ्रू यूज़ हो सकती है। और यहाँ पे अपना फ़ोन, वॉलेट, कुछ भी रखने के लिए स्पेस दिया गया है। और अगर इसका ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते तो सेंटर में दिया गया है जो कि काफ़ी स्पोर्ट्स लुक गाड़ी को बनाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ में ऑरेंज का जो वर्क किया गया है वो क्लाइंबर से ही है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है और हार्ड प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। और जो यहाँ पे पहले स्पेस आता था उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे अब क्विड गदा हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के नीचे यहाँ पर आपको पैसेंजर एयरबैग मिलता है जो कि ऑप्शनल में आता है। और अगर ग्लव्स बॉक्स की बात करते हैं तो जो अपना ग्लव्स बॉक्स है काफ़ी अच्छा इसके अंदर दिया गया है। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में इतना बड़ा ग्लव्स बॉक्स नहीं आ सकता और काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, आप इजीली सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और यहाँ पे जो एसी के वेंट दिए गए हैं उसका थोड़ा उभार ऊपर की तरफ दिया गया है जो कहीं ना कहीं फरारी से मिलता हुआ नज़र आता है और काफ़ी अच्छा दिया गया है। साइड में कुछ पैसेंजर साइड की खिड़की का भी ऐसा लुक मिलेगा आपको जो कि आप देख के बता सकते हो कि इसमें कैसा लगता है। और इसमें किसी में भी वैनिटी मिरर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। और अपना ऑडियो माइक का रिसीवर ऊपर दिया गया है। इसके अलावा ये अपनी लाइट है जो कि विजिबिलिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी दी गई है इस सेगमेंट के हिसाब से। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं हम तो इसमें 20.32 सेंटीमीटर टच स्क्रीन मीडिया नेविगेशन सिस्टम दिया गया है जिसके साथ रिवर्स कैमरा हमें मिलता है और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले इसमें इनबिल्ट आता है और वॉइस कमांड के साथ इसमें एक्सेस भी किया जा सकता है। इसमें आप वीडियो भी चला सकते हैं USB के थ्रू जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। अगर आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने सारी स्पेसिफिकेशन मॉडल वाइज डाली हुई है तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी स्पेसिफिकेशन हर मॉडल वाइज चेक कर सकते हैं। और अगर इसकी सीट क्वालिटी की बात करते हैं तो सीट क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसके अंदर दी गई है। लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है और इसमें हेड रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है।
और अगर सीट की क्वालिटी की बात करता हूँ तो फैब्रिक यूज़ किया गया है सीट के अंदर, और जो बीच में ऑरेंज कलर यूज़ किया गया है ये भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा लगता है और प्रीमियम दिया गया है। जो अपने हेडरेस्ट दिए गए हैं वो फिक्स है, उनको आप ना आगे वालों को एडजस्ट कर सकते हो और ना ही पीछे वाले को। जो बीच में स्पेस होता है उसको भी काफ़ी कम कर दिया गया है। स्पेस कम करने से मेरा मतलब था कि जो तीसरा बंदा बीच में बैठा था उसके लिए भी अब कैबिन स्पेस को थोड़ा नीचे कर दिया गया, तो वो भी इजीली बैठ सकता है। और पीछे की पावर विंडो दी गई है। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो दिल्ली अदर स्टेट का और केरला के, जो जो अलग प्राइस इसमें दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे हिसाब से इस रेंज में इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है तो उसको लेना ज़रूर बनता है। तो मेरे हिसाब से गाड़ी आपको लेनी चाहिए। थैंक यू।